Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चीज का हॉल एंड दैट इज ओवरसाइज टी शर्ट. यू ऑल गाइज नो कि अभी कितना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ओवरसाइज, चाहे वो ओवरसाइज टी शर्ट हो, शर्ट हो, पैंट्स हो, जो भी हो, सब कुछ आजकल लोगों को ओवरसाइज चाहिए. तो मैं भी आज लाई हूँ ओवरसाइज टी शर्ट का हॉल. ऐसे पर्टिकुलर मैंने एक ब्रांड की या फिर एक साइड से नहीं ली है, मैंने दो तीन अलग अलग साइट से टी शर्ट मंगाई है. तो वो मैंने कहाँ से एंड कौन सी मंगाई है आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा. सो अब जैसे कि मुझे लोग बोलते हैं कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट करो, तो बिना डिले के फटाफट वीडियो स्टार्ट करता है. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू लाइक दिस वीडियो. एंड तक देखने के बाद अच्छी लगती है देन डू लाइक दिस वीडियो. ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो आपको आगे वीडियो में ये सारी टी शर्ट दिखने वाली हैं. दो तीन ब्लैक है इनमें, तो ये आपको सारी टी शर्ट दिखने वाली है. सो जो फर्स्ट टी शर्ट मैंने ली है वो ली है मैंने बॉन्कर्स से. ये है वो टी शर्ट रेड कलर की. मतलब अगर आप लोगों ने बॉन्कर्स यूज किया होगा तो आप लोगों ने भी काफी ज्यादा वाली टी शर्ट को देख रखा होगा. एंड मुझे ये टी शर्ट काफी ज्यादा क्यूट लगी थी, इसलिए मैंने इसको लिया था बॉन्कर्स से. इसमें ऐसे मतलब कोई छोटा सा बेबी प्रिंटेड है आगे. मुझे ये पैटर्न बहुत क्यूट लगा एंड इसका कलर रेड मुझे बहुत अच्छी लगी थी. इसको मैंने लिया था साइज एक्स्ट्रा स्मॉल में. ऑफकोर्स अब ओवर साइज टी शर्ट थी तो मुझे थोड़ा बहुत मैं यही साइज देख के चलना पड़ता था. मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया था एंड ये मुझे पड़ी थी कुछ 650 रुपीस के समथिंग कुछ पड़ी थी. बट बाद में कुछ शिपिंग एंड लग के थोड़ी बढ़ गई होगी, बट इसकी मेन प्राइस 650 रुपीस थी. एंड टॉकिंग अबाउट इट्स मटेरियल, मैंने इसको अब तक एक बार वियर नहीं किया है तो वॉश वगैरह का मैं आपको नहीं बता सकती. बट इसका जो मुझे मटेरियल भी रिसीव हुआ है वो मुझे काफी अच्छा रिसीव हुआ है. मतलब जो उन्होंने रुपीज मुझसे लिए हैं 650 फॉर दिस टी शर्ट, तो एक तरह से वर्थ है बिकॉज इसका मटेरियल एंड इसका पैटर्न सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड जो ट्राई ऑन वगैरह है वो आपको पता है साइड में चलता है मेरे. सो या दिस वॉज माई फर्स्ट टी शर्ट बॉन्कर्स की. जो नेक्स्ट टी शर्ट है मेरी सेकेंड टी शर्ट वो भी है बॉन्कर्स की. एंड ये भी आप में से काफी ज्यादा लोगों ने देख रखी होगी. थोड़ी लाइट ग्रीनिश टाइप की कलर में है एंड आगे एक टाइगर प्रिंटेड है एंड लिखा है वाइल्ड चाइल्ड. ये मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी. बट इसकी जो प्राइस थी वो थी 800. तो मेरे को लगा 800 टी शर्ट क्या ही ले, तो एक बार मैंने इसको स्किप किया था. बट देन आई थॉट कि मतलब ठीक है अच्छी है तो ले लेते हैं. इसका प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा था तो इसको मैंने लिया था बॉन्कर्स से. एंड ये भी साइज एक्स्ट्रा स्मॉल में ही है एंड इसका थोड़ा वो वाला है, मतलब कलर एकदम जो ग्रीनिश है ना, ग्रीनिश नहीं है, इसमें अलग ही हल्का सा शेडी टाइप का वो आ रहा है इफेक्ट एंड लाइट ग्रीन सा कलर, हल्का सा शेडी इफेक्ट आपको दिख रहा हो तो. एंड इसमें आगे बहुत ही यूनिक वे में ये बने हुए हैं. वाइल्ड चाइल्ड में भी इसको बहुत यूनिक टाइप का प्रिंट दे रखा है तो मुझे काफी अच्छा लगा है. इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कुछ टाइम बाद इसको आगे प्रिंटेड है या निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. काफी अच्छा मटेरियल है तो मतलब 800 एक तरह से वर्थ है मुझे इस टी शर्ट के लिए. सो दिस वॉज माई सेकेंड टी शर्ट. तो अब तक तो दोनों टी शर्ट थी कलरफुल एंड अब आती है मेरी लव 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 मेरी ब्लैक टी शर्ट. ये मैंने ली है मिंत्रा से. मिंत्रा पे एक ब्रांड थी हर्शीन बॉक्स करके, वहां से मैंने ये ली है. एंड ये मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी थी, बहुत ज्यादा. ये ब्लैक कलर की टी है ओवर साइज एंड इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने इस टाइप के बहुत सारे ना पोस्टर, मतलब जो पोर्ट्रेट्स होती है ना फोटोज, वो देखी थी. मुझे उसका ये प्रिंट मिल गया तो मुझे बहुत अच्छी लगी. इसमें आगे लिखा है हेल यस एंड आगे ये रेड कलर की बंदी लड़की प्रिंटेड है जो कि कॉफी पीने का मजा ले रही है. तो मुझे इस बहुत ज्यादा यूनिक लगा तो मैंने इसको परचेस कर लिया. मिंत्रा से ली थी मैंने हर्शीन बॉक्स ब्रांड की एंड मैंने इसको लिया था स्मॉल साइज में. इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल भी थी बट मेरे को इसको जब स्टाइल करना था ना, मेरे को थोड़ा इसको वन पीस लुक देना था, थोड़ा वन पीस किंडा एंड नीचे स्टॉकिंग्स वगैरह, इसलिए मैंने इसको एक साइज बड़ा मंगाया. बट ठीक है, जितना मैंने बड़ा एक्सपेक्ट किया उतना बड़ा ये आया नहीं स्मॉल साइज में भी. अगर आपको भी लेना हो तो एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं लेके स्मॉल ही लेना बिकॉज इसने थोड़ा मेरे को नॉर्मल फिट ही दिया है. एंड टॉकिंग अबाउट इट्स मटेरियल, तो वो मतलब मुझे इसका अच्छा ही लगा. एकदम जो होता है ना मैट, एकदम डार्क ब्लैक, मैट ब्लैक, जेट ब्लैक बोलते हैं शायद, वैसा ब्लैक नहीं है, हल्का सा नॉर्मल ब्लैक है. बट ठीक है जैसा भी है अच्छा है. मुझे तो मेन इसके प्रिंट की वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ज्यादा. एंड ये थी 650 या 6 मतलब 650 टू 675 680 के बीच की थी. एग्जैक्ट मेरे को रेट नहीं यार, बट हाँ ये अप्रॉक्स 650-680 तक की थी. तो उस रेंज में मेरे को ठीक है, क्वालिटी हल्की सी मेरे को डाउन लगी है रेंज के हिसाब से, बट ठीक है इसका प्रिंट बहुत अच्छा है.
एंड ना ये प्रिंट इसमें ऐसे गड़ा हुआ नहीं, जैसे ना टी शर्ट के अंदर ही ये प्रिंटेड नहीं है, पहले टी शर्ट है उसके बाद अलग सा इसको ऐसे बाहर से लगा रखा है, ऐसा लग रहा है बट ये नहीं निकलेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये खराब नहीं होने वाली जहाँ तक मेरे को दिख रहा है। एंड इसमें अलग ही शाइन है जिससे ये आपको और अच्छा लुक देने वाला है। अगेन मैंने एक ब्लैक टी शर्ट ली है, मेरी फोर्थ टी शर्ट, ये भी मैंने मिंत्रा से ही ली है एंड ये भी हर शीन बॉक्स की ही है। ये ब्लैक कलर की टी शर्ट है, आपको दिख रहा होगा आगे से इसमें येलो कलर का कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है, आगे से ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है, साइड में ये आपको दिखी होगी बटरफ्लाई। बट इसकी सबसे यूनिक चीज कि इसके साइड में बटरफ्लाई है एंड देन बैक साइड देखो, लाइक वाओ, मैं जैसे ही इसको देखा था ना बैक में, मतलब मुझे इतनी पसंद आई। जो आपको फ्रंट लुक ये देने वाली है, ये आगे से आपको नॉर्मल साइड बटरफ्लाई, आगे येलो येलो कुछ लिखा हुआ प्रिंटेड, एंड बैक लुक आपका ये होगा, पीछे से पूरी बटरफ्लाई दिखने वाली है। एंड मतलब दिखने में मुझे इतनी यूनिक लगी, मैंने बॉन्कर्स, मतलब मैंने बहुत सारी साइड देखी है बट इसके जैसी ओवर साइज टी शर्ट की जो प्रिंट्स वगैरह है मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे मतलब लड़कियों की है, लड़कियों के लिए है, इसको लड़के भी मतलब ले सकता है बट मेनली ये लड़कियों के नाम से ही है, जिसका एडवर्टाइजमेंट सब लड़कियों ने ही कर रखा है, तो मुझे लड़कियों की टी शर्ट्स के लिए साइड बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी। टी शर्ट इसमें एक्सपेंसिव है, इसमें मैंने मिंत्रा से लिया है तो ये मुझे कुछ पड़ी थी 650 टू 680 के बीच की पड़ी थी मुझे, क्योंकि मैंने मिंत्रा से ली थी इसको। अदरवाइज जो इसकी खुद की साइट है ना, हर्शीन स्टाइल, वहां पे कोई भी रेट 1000 से कम तो है ही नहीं। इसकी भी रेट है ना कुछ 1200 समथिंग थी, और जैसे पहले थी ना रेड लड़की प्रिंटेड थी उसकी भी रेट 1200 समथिंग ही थी कुछ, बट इसमें मिंत्रा पे 50% ऑफ था इन दोनों पे, इसलिए मुझे कम में पड़ी। अदरवाइज अगर आप हर्शीन बॉक्स की साइट से ही लोगे तो आपको 1000 से कम की टी शर्ट नहीं मिलने वाली है, बट वो एक्चुअल में वर्थ, बिकॉज उसके इतने इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं ना, मतलब डेफिनेटली मैं खुद भी और शॉप करने वाली हूँ उससे, तो आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट एनी पेड प्रमोशन, ये मैं खुद से बोल रही हूँ बिकॉज मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी इसके डिजाइन से एंड इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, एज तक मुझे कुछ बुरा लगा नहीं बिकॉज प्रिंट के आगे सब कुछ फेल है, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इसका प्रिंट। सो दिस वॉज माई फोर्थ टी शर्ट। सो जो नेक्स्ट टी शर्ट है मेरी फिफ्थ टी शर्ट, ये मैंने लिए द सोल्ड स्टोर से। आप में से बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काफी उन्हें सुना भी होगा। ये ली थी मैंने सोल्ड स्टोर से येलो कलर की टी शर्ट। इसका ना मटेरियल थोड़ा अलग से दानेदार नहीं होता है, एक मतलब मैं कैसे बताऊँ, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, इसका मटेरियल थोड़ा अलग सा है, थोड़ा दाने दाने वाला, बट जो भी है इसका अच्छा प्रिंट ही था। एंड इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया था, एंड इससे पहले जो ब्लैक थी ना वो वाली हर्शीन बॉक्स की, वो दोनों स्मॉल साइज की थी ना, मतलब मैं बता दिया था आपको। ये मेरे को कलर की वजह से काफ़ी अच्छी लगी एंड यहाँ इसके पॉकेट के वहाँ डक से सब बाहर निकल रही थी, तो मुझे काफ़ी क्यूट लगा एंड मुझे पर्सनली येलो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, बस मैंने इसको कलर देख के एंड इसका थोड़ा सा क्यूट क्यूट लुक देख के मैंने इसको ले लिया था। ये पड़ी थी मुझे 800 या 850 समथिंग, मतलब 800 टू 850 समथिंग के बीच की मुझे ये पड़ी थी एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ये क्यूट लगी थी। एंड इसके मटेरियल की बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा वर्थ है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये जो भी टी शर्ट आपको दिखाई मैंने इससे पहले वो भी अच्छी थी, बट उन सब में सबसे अच्छा मटेरियल मुझे इसका लगा, जो 800 थे वो बहुत ज़्यादा वर्थ है। इनके मटेरियल क्वालिटी कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी टी शर्ट। तो जो नेक्स्ट टी शर्ट है वो भी है ब्लैक कलर में ही, आगे से प्लेन टी शर्ट है, खाली व्हाइट कलर का कुछ बना हुआ है स्पाइडर टाइप की, एंड इसका मेन लुक है बैक साइड में पूरा ये वेनम लिखा हुआ है, पूरा ये बना हुआ है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड यूनिक लगा था। ये भी मैंने सोल्ड स्टोर से ही लिया था, द सोल्ड स्टोर से, एंड ये मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी थी, 1000 की थी है, एंड इसको मैंने लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में, बट 1000 के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी इज सुपर, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है इसका, एकदम मोटा वाला, एंड अंदर से जो इसका मटेरियल है ना, उन्होंने अंदर से इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रखा है, सिर्फ बाहर से ही नहीं, उन्होंने अंदर से भी क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। एंड बाहर से इसका अलग ही सॉफ्ट टाइप का मटेरियल है एंड डेट टू मोटा मटेरियल है, तो मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड ये जो वेनम प्रिंटेड है ना, इसके भी मतलब ये भी इस टाइप से प्रिंटेड है कि इसे कुछ भी नहीं होने वाला है,
बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये इतना अच्छे से इसको प्रिंट कर रखा है इन्होंने इस पे। सो ओवरऑल मुझे मतलब थोड़ी सी मुझे लगी एक्सपेंसिव 1000 में, बट जब मेरे को ये रिसीव हुई तो इसकी क्वालिटी, इसका मटेरियल, इसका जो पैटर्न है, इसका जो लुक है, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मतलब ओवरऑल वर्थ ये टी शर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। सो या मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, सो दिस इज माई लास्ट टी शर्ट जो कि मैंने वेयर कर रखी है, नो टाइम टू हेट, जो कि आपको दिख जाएगी ट्राई ऑन में। एंड इसको भी ना मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देख रखा होगा बॉम्बे पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे। बट मुझे ये मतलब मेरे को पता था ये कॉमन है, बट मुझे इसका लुक इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने इसको मंगा लिया। एक तो उसका कलर, आई मीन आप देख सकते हो उसका स्काई ब्लू कलर है, मतलब पेस्टल कितना कलर में आ जाता है, जो कि आपको पता है लड़कियों को कितना पसंद होता है। ये देख के मैंने टी शर्ट को मंगा लिया था एंड इसका प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा था। बॉन्कर्स की टी शर्ट है ये, बॉन्कर्स से मंगाई थी एंड दिस वॉज फॉर समथिंग 600 शायद, 600-650 के बीच की कुछ है टी शर्ट, मतलब अप्रॉक्स मुझे इतने में पड़ गई थी एंड इसका प्रिंट मुझे अमेजिंग लगा। टॉकिंग अबाउट इट्स क्वालिटी, तो वही मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड जैसी जैसी फोटो में थी ना, सेम टू सेम मुझे वही कलर रिसीव हुआ है। मैं कलर बिल्कुल भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि मुझे हल्का सा भी चेंज आया है कलर में, जैसी थी सेम टू सेम मुझे वही कलर रिसीव हुआ है। एंड इसको मैंने लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में, इसने मुझे परफेक्ट फिट दिया एंड क्वालिटी भी इसकी सुपर भी थी। सो यार दिस वाज माय लास्ट टी शर्ट फ्रॉम बॉन्कर्स। सो ओवरऑल मैंने जो भी ओवरसाइज टी शर्ट मंगाई है बॉन्कर्स से, अदर सोल स्टोर से, मिंत्रा से, हर शीन बॉक्स की टी शर्ट्स, जितनी भी टी शर्ट थी सारी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी इन टी शर्ट्स के बारे में, जैसे ये फोटो में थी मुझे एग्जैक्टली रिसीव हुई है। मैं टोटल 7 टी शर्ट्स आपको दिखाई है एंड 7 सातों की सातों जैसी फोटो में थी ना, मुझे एग्जैक्टली सेम टू कॉपी मुझे रिसीव हुई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी ये बात। मेरे को टी शर्ट के अकॉर्डिंग शायद थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी, क्योंकि नॉर्मल टी शर्ट्स 300-500 तक की आ जाती है, नॉर्मल बेसिक टी शर्ट्स। तो मेरे को टी शर्ट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है, बट इसके प्रिंट के सामने सब कुछ फेल है। बिकॉज जो मेरे को इसका प्रिंट रिसीव हुआ है ना, वो वर्थ है। बिकॉज जो सबसे मेन बात तो जो फोटो में थी एग्जैक्टली मुझे वैसे ही रिसीव हुई है, ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना ही प्रिंट में कॉम्प्रोमाइज। ऑल्सो जो क्वालिटी इन सबके रिसीव हुई है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड सबका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा क्यूट प्रिंट्स है, जो कि आजकल आपको पता कितना ट्रेंड में चल रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आगे और भी हॉल आने वाला है, बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत शॉप किया है अभी, तो आपको आगे और भी हॉल देखने को मिलेंगे। सो अगर आप ऐसे और हॉल देखना चाहते हो देन डू सब्सक्राइब मी। ऑल्सो वीडियो तो आपने देख ही ली, अगर आपको अच्छी एंड यूजफुल लगी हो आपके लिए, लाइक जरूर करके जाना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टाटा।